वेलकम टू फनी एंटरटेनमेंट। पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घुस जाए। थैंक यू। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, नोवेल कोरोना वायरस जो चाइना में पहले पाया गया था, एक सिटी है, फैलता फूलता सिटी है, उसको बर्बाद करके रख दिया। और अभी ये चाइना के बाद इटली में जा चुका है, इंडिया में भी इसका असर पड़ने लगा है। इंडिया में 134 लोग इस वायरस से आक्रांत हुए हैं। लेकिन क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस सभी वायरस की तरह एक वायरस ही है और कुछ नहीं है। लेकिन भारत में आने के बाद इस वायरस के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। जैसे कि आप फेसबुक व्हाट्सएप में जो देख लो, मीमल लोग है, वो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे मीम बना चुके हैं। पंजाब के एक सिंगर जो कोरोना वायरस को लेकर एक गाना गा चुके हैं, और टिकटॉक में तो ना जाने कितने कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लोग इसको लेके, इस कोरोना वायरस को लेके डर नहीं रहे, वो मजाक में ले रहे। लेकिन ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही खूंखार और बहुत ही एक अलग सा वायरस है। कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस एक इंसान के मुंह में जाता है, मुंह से वो फुसफुस में जाता है, फुसफुस के जाने के बाद एक इंसान को जीता जाता, मुर्दा बना देता है। तो हम कैसे बचे कोरोना वायरस से? ऐसे तो हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बाहर इंडिया के बाहर रहता है या बाहर से इंडिया में आया है, उन्हीं को कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन हमें भी कुछ सावधानी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जैसे एक कंट्री को, इटाली जैसे कंट्री को इस वायरस ने पूरा हाल बेहाल करके रख दिया। तो भारत में अगर एक वायरस आ जाए तो क्या हो सकता है, आपको मालूम चल जाएगा। अब आते हैं हम कैसे इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। पहले तो हमें जहाँ पे ज़्यादा लोग हो, जैसे कि मॉल, बाज़ार, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मंदिर मस्जिद, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ना जाए। उसके बाद अपने हाथ को दिन में 4-5 बार धोए साबुन से या सैनिटरी हैंड वॉश से। उसके बाद हमें जब भी हम घर में रहे या बाहर जाए, हमें मास्क यूज़ करना चाहिए। और मास्क को दो मास्क लेना चाहिए, एक सुबह के लिए, एक रात के लिए। सुबह जो मास्क लगाया उसको धो के रख के रात में, रात वाला मास्क को पहन के रखना चाहिए। आप जब सोएंगे तभी मास्क खोलेंगे। किसी से अगर बात करना है तो आप मास्क खोल सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका मास्क खुले, खुले मास्क में आप ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, किसी से हैंडशेक नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत हमारे इंडिया में नमस्ते चलता था, अभी सभी लोग नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि कोई हाथ मिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस पहले तो हाथ से ही आता है। तो सबसे साथ नमस्ते करना चाहिए, या अस्सलाम वालेकुम भी आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। और यही चीज़ देखिए, अभी तक हमारे इस वायरस के अभी तक कोई एंटीडोट निकला नहीं है, किसी ने बना नहीं पाया। लेकिन बना नहीं पाएगा ये कभी नहीं हो सकता, तो कोई प्रॉब्लम की, कोई चिंता की बात तो नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड है इसको, इस वायरस से बचने के लिए। तो डट के सामना करते रहिए इस वायरस का। और क्या कि किसी को बताते जाइए, ये जो बहुत अफवाह फैल रहा है चारों तरफ कोरोना वायरस को लेके के बहुत कुछ हो रहा है, तो वो सब में ध्यान मत दीजिएगा।
आप अपनी ख्याल रखिए, अपना परिवार के ख्याल रखिए और अपना पूरा आसपास जितना भी है उनका ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्कार। जख्मों के सिवा तूने क्या दिया, पलकों से गिरे आंसू ये कह रहे।